how memory is managed in Python, what are the different types of memories in Python, how does garbage collector work in Python. These are the few questions which are based on memory management, which are generally being asked during an interview. Watch the video till the end to know everything about these topics. तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरीज के बारे में. तो पाइथन में बेसिकली दो तरीके की मेमोरीज होती हैं. एक होती है स्टैक मेमोरी और दूसरी होती है प्राइवेट हीप मेमोरी. जितने भी हमारे रेफरेंसेस होते हैं या फिर जितने भी हम मेथड्स डिफाइन करते हैं या फिर जितने भी मेथड्स को कॉल हम डिफाइन करते हैं, वो सबकी सब चीजें स्टैक मेमोरी में जाकर स्टोर होती हैं. वहीं पे अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करना चाहें या फिर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे स्टोर करना चाहें, तो उसके लिए हमें प्राइवेट हीप मेमोरी की जरूरत होती है. तो ये दोनों के दोनों इस तरह से वर्क करती हैं. अब मान लो कि अगर मैं आपको बताऊं x is equal to 5, x यहां पर जो है वो एक किसी 5 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, यानी कि x एज ए रेफरेंस की तरह ट्रीट होगा जो कि स्टैक मेमोरी में जाकर स्टोर होगा. वहीं पे 5 एक वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्राइवेट हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होगा. अब अगर मैं इसी केस में x के बारे में पता करना चाहूं तो किस तरह से कर सकता हूं, मैं उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज करूंगा. जब मैं टाइप फंक्शन का यूज करूंगा तो इन द एंड मुझे इंट आउटपुट में देखने को मिलेगा. अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इसमें जो हमारे पास इंट आया है, इट मींस कि x एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जो कि इंटीजर है. अब अगर मैं x इज इक्वल टू हेलो नेटमैन लिखूं तो जब मैं इसके टाइप को फाइंड करूंगा तो मुझे इन द एंड स्ट्रिंग आउटपुट में देखने को मिलेगी. इट मींस कि अब x एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जो कि एक स्ट्रिंग है, ना कि इंटीजर. तो इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि वो किसको रेफर कर रही होती है, उसी अकॉर्डिंग उसका टाइप आ जाता है. अब इसी में मैं अगर एक और सिनेरियो लेकर आपको बताऊं, तो जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 डिफाइन किया था, उसी तरह से मैं y इज इक्वल टू x भी डिफाइन कर सकता हूं. इसका मतलब क्या होता है कि y जो है वो एक रेफरेंस है जो कि उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसको x रेफर कर रहा था. तो जब मैं इन दोनों के टाइप को फाइंड करूंगा तो मुझे इन द एंड int ही देखने को मिलेगा, और जब मैं इन दोनों की id फाइंड करूंगा तो मुझे इन द एंड दोनों की id भी सेम ही मिलेगी. इट मींस कि x और y दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो कि है 5, और उसका id हमें ये देखने को मिलेगा. अब अगर मैं x के रेफरेंस में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहूं, मान लो कि मैं x is equal to x plus 1 लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि x को जो रेफर कर रहा होता है जो ऑब्जेक्ट, यानी कि 5 वैल्यू, उसमें हम एक वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास 6 हो जाएगा. इसमें क्या होगा कि अब x की वैल्यू 6 को रेफर कर रही होती है, और जो पहले 5 को रेफर कर रही थी अब उसको रेफर नहीं किया जाएगा. अब जब मैं x के टाइप को फाइंड करूंगा तो मुझे फिर से इन द एंड इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि 6 वैल्यू भी एक इंटीजर होती है. उसके बाद जब मैं इसकी आईडी फाइंड करूंगा तो अब इसकी आईडी चेंज हो जाएगी. जो हमने पहले आईडी फाइंड की थी वो डिफरेंट थी, अब जो आईडी फाइंड करेंगे वो डिफरेंट होगी. अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, यानी कि x और y दोनों को कंपेयर करूं, तो मुझे इन द एंड दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, यानी कि दोनों ही अब अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. यहाँ पे y जो है वो 5 को रेफर कर रहा था, वहीं पे x जो है वो 6 को रेफर करेगा. तो इसी के साथ हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि x और y दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. इसी में मैं अगर एक और एग्जांपल लेकर देना चाहता हूं तो मैं z इज इक्वल टू 5 कर दूं. अब ये जो 5 नंबर होगा, ये जो हमने पहले ऑलरेडी हीप मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ है, ये उसी को डिनोट करेगा. यानी कि अब अगर हम z का टाइप फाइंड करें तो वो हमें इंटीजर ही मिलेगा, उसकी आईडी फाइंड करें तो ये वही आईडी है जो हमने सबसे पहले डिफाइन करके रखी थी. अब अगर मैं y और z का कंपैरिजन करूं, यानी कि दोनों की आईडी को कंपेयर करूं, तो मुझे सेम ही देखने को मिलेगी. तो इससे हम ये चीज कंक्लूड करके रख सकते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में आ जाता है तो उसको एक या एक से ज्यादा वेरिएबल रेफर कर सकते हैं, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं. अब बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन के बारे में, यानी कि पाइथन में मेमोरी एलोकेट किस तरह से की जाती है. तो इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाहता हूं. तो सबसे पहले, जैसा आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैंने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए जो कि किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. उसके बाद मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए, फंक एक और फंक दो के नाम से. अब अगर मैं इसी को आपको बताना चाहूंगा किस तरह से ये मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो किस तरह से बता सकता हूं. पाइथन में जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके की मेमोरीज होती है, एक होता है स्टैक मेमोरी, दूसरा होता है हीप मेमोरी. स्टैक मेमोरी में जितने भी रेफरेंसेस, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं, और हीप मेमोरी में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्टोर किया जाता है. अब अगर मैं सबसे पहले मेन फंक्शन की ओर जाऊं, तो जब इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन होगी तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उस पे सबसे पहली लाइन है x इज इक्वल टू 5, यानी कि जो x है जो कि एक रेफरेंस है वो स्टैक मेमोरी में जाकर स्टोर होगा, और उसके बाद जो 5 है वो हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होगा जो कि उसको रेफर कर रहा है. उसके
बाद दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू func1x। अब मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो भी सारे स्टैक मेमोरी में ही आते हैं, तो इस केस में क्या होगा होगा कि y की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी जो भी फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन जो है वो स्टैक मेमोरी में आ जाएगा, उसमें सबसे पहली लाइन है z इज इक्वल टू x प्लस 5, जिसमें z जो है वो स्टैक मेमोरी के func1 ब्लॉक में आ जाएगा जो कि x प्लस 5 को रेफर करेगा। x की वैल्यू 5 थी तो अब जो z की वैल्यू है वो 10 को रेफर कर रहा होगा, तो इस तरह से z जो है वो रेफर कर रहा है 10 को। उसके बाद जो लाइन है p इज इक्वल टू func2 z, इसमें क्या होगा कि जो p है वो स्टैक मेमोरी के func1 ब्लॉक में आ जाएगा और उसके बाद func2z का एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। उसमें जब हम जाएंगे तो उसमें सबसे पहली लाइन है q इज इक्वल टू z प्लस 10, उस केस में क्या होगा कि q की वैल्यू जो है वो स्टैक मेमोरी के func2 ब्लॉक में आ जाएगी और वो रेफर करेगी z प्लस 10। z जो था वो 10 को रेफर कर रहा था, तो इस टाइम पे q जो है वो 20 को रेफर करने लग पड़ेगा क्योंकि 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो गए। उसके बाद जो फंक्शन 2 है वो q को रिटर्न कर देगा, तो इस केस में हमारे पास p की जो वैल्यू होगी वो 20 हो जाएगी, यानी कि p इस केस में 20 को रेफर करेगा। उसके बाद फंक्शन 1 जो है वो p को रिटर्न कर रहा है, यानी कि उस केस में जो y की वैल्यू भी 20 को ही रेफर कर रही होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा वेरिएबल बच जाएंगे वो सारे के सारे गार्बेज कलेक्टर में चले जाएंगे और इन द एंड हमें y इज इक्वल टू 20 की फॉर्म में 20 आउटपुट देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद इन दी एंड हम चेक करेंगे कि हीप मेमोरी में ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कोई भी रेफर नहीं कर रहा, और इस केस में 10 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी चीज रेफर नहीं कर रही होती तो वो उस ऑब्जेक्ट को डेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग पड़ता है, और इस मैकेनिज्म को रेफरेंस काउंटिंग का नाम दिया जाता है। इट मीन्स कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डेड ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर में ऑटोमेटिकली चला जाता है। और रेफरेंस काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो पाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली ही काउंट करता रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितने वेरिएबल या फिर कितने रेफरेंसेस द्वारा रेफर किया जा रहा है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफर नहीं कर रहा होता तो इन दी एंड हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो सारे की सारी वैल्यूज गार्बेज कलेक्टर में चली जाती है। तो ये प्रॉपरली मेमोरी एलोकेशन होती है इन केस ऑफ पाइथन। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं इन्हीं के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन, तो उसके लिए आप ये सारा का सारा आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज कलेक्टर एंड रेफरेंस काउंटिंग, तो उसके लिए आप दोनों के बारे में बता सकते हो और ये प्रॉपर एग्जांपल भी लिखकर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डक टाइपिंग और व्हाई पाइथन इज कॉल्ड एज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग, दोनों के आंसर सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही चीजें होती हैं। तो उसके लिए जो मैंने पहले वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि कभी भी एक्स को जब हम 5 में रेफर करते हैं या फिर वाई को जब हम 5 में रेफर करते हैं तो वो सारे का सारा कंसेप्ट आपको इस चीज पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप ये सारा का सारा आंसर उनको बता सकते हैं विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू इनेबल और डिसेबल द गार्बेज कलेक्टर, तो उसके लिए आप ये चीज के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक मेमोरी एंड अ हीप मेमोरी इन पाइथन, तो उसके लिए आप ये सब चीजों के बारे में बता सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि इस कंसेप्ट के बेसिस पे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो और इससे जुड़े क्वेश्चन के बारे में भी क्लैरिटी आ गई हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।